द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के कार्ड धारकों को कोरोना का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। ये निर्णय शिवराज सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिन पात्र लोगों के कार्ड नहीं बन पाए हैं, उसे जल्द से जल्द योजना में शामिल करने की कार्यवाही करें। मध्य प्रदेश में कोरोना अब बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए राज्य में कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। निवाड़ी जिले के लोहरगोवा गांव में युवक की शादी में एक संक्रमित युवक भी शामिल हुआ। उसने पहले दिन पंगत में खाना परोसा, दूसरे दिन बारात में शामिल हुआ। बाद में जब लोगों की तबीयत बिगड़ी तो जांच कराई। इसमें 60 में से 40 लोग संक्रमित निकले हैं। प्रशासन ने अब गांव को सील कर दिया है। गुना जिले में कोरोना से डरे हुए लोग गंदा पानी पी गए हैं। ये सिलसिला जारी है। घटना बमोरी ब्लॉक के जोहरी गांव के बरनी नदी की है। ये नदी सूखी हुई है। किसी ने इसमें गड्ढा यानी झिर्री खोदी तो गंदा सा पानी निकल आया। अफवाह चमत्कार बताकर उड़ा दी गई और कह दिया गया कि इसे पीने से कोरोना भाग जाएगा। फिर क्या था, भीड़ लग गई। अब प्रशासन को संभालना मुश्किल हो रहा है। इंदौर में एक आरोपी ने पानी भरकर टेसू लिजू मैप के इंजेक्शन 2.5 लाख रुपए में बेच दिए। उसके पास जैसे जैसे पैसे आते गए, उसने घर के लिए कूलर, फ्रिज, अलमारी और मोबाइल के साथ साल भर का राशन खरीद लिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हजारों के कपड़े खरीद लिए और कई गिफ्ट भी दिए। अशोकनगर जिले के मुंगावली में पदस्थ 50 साल के पटवारी कमलेश भगत की मंगलवार रात जिला अस्पताल में मौत हो गई। जब एसआई पत्नी अपने पति को जिला अस्पताल में भर्ती कराने लाई, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद भी कमलेश को पलंग नहीं दिया गया। मजबूरन एसआई ने फर्श पर गद्दा बिछाकर बीमार पति को लिटा दिया। देर रात कमलेश ने दम तोड़ दिया। बिंद क्षेत्र के रीवा सतना में गुरुवार दोपहर कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। बेमौसम बारिश के कहर से खरीदी केंद्रों में खुले में रखा गेहूं भीग गया। वहीं कई जगह गेहूं से लोड किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पानी भर गया है। रायसेन जिले के सलामतपुर के रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक अज्ञात महिला ने अपनी दो मासूम बच्चियों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा। इस दौरान कई ट्रेनें इन शवों के ऊपर से गुजर गईं। रतलाम के रानी गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। एक परिवार में शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। जहां 2 दिन बाद इकलौती बेटे की बारात जानी थी, वहां से दूल्हे की अर्थी निकली। रानी गांव के डोडिया परिवार में दूल्हे अजय सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जावरा लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खरगोन के गांव रूपखेड़ा के रहने वाले दंपति की कार बेड़िया में हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में जा घुसी। हादसे में कार चालक घायल हो गया तो उसकी पत्नी ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। दोनों अपने रिश्तेदार के यहां गमी में जा रहे थे। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ
स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।